आइए बच्चों शुरू करते हैं ट्रिक्स टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन इन ओजोनोलिसिस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मेडिकल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। पहले इनको आप देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया है और हमको साइक्लोहेक्सानोन मिला है, तो बोलता है कि स्टार्टिंग मेटेरियल एक्स क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द कंपाउंड विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H10 यील्ड्स एसीटोन ऑन ओजोनोलिसिस, कि इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 होगा और जिसका ओजोनोलिसिस करने पे आपको केवल क्या मिले, एसीटोन मिले, ये वो पूछना चाह रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रिक्स टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन इन ओजोनोलिसिस। यानी कि क्वेश्चन में ओजोनोलिसिस में आपको प्रोडक्ट देगा और बैकवर्ड जाना पड़ेगा और पूछेगा कि भाई स्टार्टिंग मेटेरियल क्या होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पार्ट टू ऑफ ओजोनोलिसिस। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया तो आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिला है। पूछ रहा है कि भाई आपका एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स, क्लियर है एक्स क्या है। तो हमको एक्स पता करना है रिएक्शन में, तो आइए फिर देखते हैं आपको फोकस कहाँ पे करना है। बताया था प्रोडक्ट पे करना है, तो प्रोडक्ट को मैं क्या ऐसे रीराइट कर सकता हूँ, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, क्लियर है बच्चों, ट्वाइस किया हुआ ग्लाइऑक्सिल है और ये CH2 आप जानते हैं ये हमारा है फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, प्रोडक्ट को फोकस किया और इसको यहाँ पे रीराइट कर दिया है, क्लियर। अब बच्चों क्या मैं इसको दोबारा से रीराइट कर सकता हूं, सर कैसे करेंगे, आइए क्या मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना सकता हूं, क्लियर CHO सिंगल बॉन्ड CHO, और क्या मैं फॉर्मल्डिहाइड को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, नहीं कुछ भी नया नहीं किया है, वही का वही है, हमने उसको दोबारा से स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहां पे खोल के लिख दिया है, सिंपल आप जानते हैं। अब यहां पे आपको करना है क्या है, बैकवर्ड जाना है, आपको पता करना है प्रोडक्ट से कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा ओजोनोलिसिस रिएक्शन में। तो आपने फोकस करना है डबल बॉन्ड ओ पे, तो डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सब आपको रिमूव कर देना है, एडिट कर देना है, हटा देना है। तो हटाने के बाद कैसा दिखाई पड़ेगा वो देखते हैं। तो CH सिंगल बॉन्ड CH, क्या क्लियर है आपको, डबल बॉन्ड ओ रिमूव किया, डबल बॉन्ड ओ रिमूव किया, यहाँ से ये रिमूव करना है तो कैसा दिखाई पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा CH2। बच्चों मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला के लिख दिया CH2, क्योंकि डबल बॉन्ड ओ तो रिमूव हो चुका, सेम इज हियर, तो मैंने इसको भी ऐसे करके लिख दिया, क्या क्लियर है आपको। अब आपको करना क्या है कि जो आपको टुकड़े मिले हैं, जो आपको पार्ट मिले हैं, फ्रेगमेंट मिले हैं डबल बॉन्ड ओ को हटाने के बाद, उनको आपको आपस में जोड़ देना है डबल बॉन्ड की हेल्प से। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और यहाँ पर इस इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आपको जनरेट करना है, तो कैसा दिखाई पड़ेगा, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर हुआ। तो ये है हमारा एक्स, यहां पर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स। नंबरिंग कर सकते हैं, तो नंबरिंग होगा 1, 2, 3, 4, बच्चों ये है हमारा ब्यूटा-1,3-डाइईन, तो एक्स की वैल्यू ये होगी, क्या आपको क्लियर है। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। ओजोनोलिसिस किया ए का, तो हमको एक प्रोडक्ट मिले हैं, तो वो कह रहा है कि भाई ए क्या है, हमको ए आइडेंटिफाई करना है, तो हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा। देखिए मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लूंगा, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, क्या ये सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है। और दूसरे को भी मैं सामने लिखता हूं, आप जानते हैं CH2O का मतलब होता है HCHO, क्लियर हुआ, आपको बताए थे पहले पार्ट में, क्लियर होना चाहिए आपको, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, CH2 को ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये अब देखिए करना क्या है, हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं, पीछे की तरफ जाना है हमको, तो बैकवर्ड जब जाएंगे तो आपको करना क्या है कि जहां पर भी डबल बॉन्ड ओ लगा है वो आपको रिमूव कर देना है, यानी कि इसको आपको गायब करना है, इसको छोड़ना है, क्लियर है। तो इसको छोड़ने के बाद स्ट्रक्चर कैसा दिखाई पड़ेगा वो देखना है आपको, CH3 CH3
क्लियर हुआ, डबल बॉन्ड ओ को हमने यहां से रिमूव कर दिया, एडिट कर दिया। और सेम यहां पे देखिए, यहां पे क्या दिखाई देगा, एच एच, क्या यहाँ पर क्लियर है? तो ये हमने डबल बॉन्ड ओ को यहाँ से रिमूव कर दिया, एडिट कर दिया और बचा हुआ फ्रेगमेंट हमने लिख लिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे कार्बन की केवल दो ही वैलेंसी है, 1, 2, 1, 2। अब ये जो कार्बन जहां से आपने डबल बॉन्ड ओ को रिमूव किया है, उन कार्बन को आपस में आपको जोड़ना है वाया डबल बॉन्ड। तो अगर आप बैकवर्ड जाते हैं तो यहां से जो आपको दिखाई पड़ेगा वो कुछ ऐसा होगा, मिथाइल मिथाइल, और यहां पे इन दोनों कार्बन के बीच हो जाएगा डबल बॉन्ड। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ए। तो बच्चों हमारा जो ए था इस क्वेश्चन में, वो ए कुछ ऐसा होगा। क्या आपको क्लियर है ये? चलिए अब आपको पहला एग्जांपल लेते हैं जो हमने जो क्वेश्चन आपको दिया था। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया था कि आपको एक्स का पता करना था कि एक्स हमारा क्या होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन था। और प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बना था। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे रिडक्टिव ओजनोलिसिस है, एक्स का आपको पता करना है, बैकवर्ड जाना है, और यहाँ प्रोडक्ट आपको दिया है, यानी कि प्रोडक्ट जो बना है केवल एक टाइप का बना है। और हमेशा इससे प्रोडक्ट हमेशा दो मॉलिक्यूल बनेंगे ही बनेंगे, दो से ज्यादा ही बन सकते हैं पर दो तो बनेंगे ही बनेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसे दो मोल अगर आप लेके चलते हैं तो क्या होगा। तो आइए फिर दो मोल आपको कंसिडर करने ही करने हैं, वो नहीं देगा लेकिन फिर भी आपको करने ही करने हैं। अगर अगर इसको दो मोल की बात कर रहा था, मैं इसको दो मोल को ऐसे दिखा देता हूं बच्चों, चलेगा? ये देखिए, और इसको सामने रीराइट कर लेते हैं। क्या क्लियर है आपको? ये देखिए, तो मैंने क्या किया सर, यहां से ये वाला डबल बॉन्ड ओ को रिमूव किया, यहां से इसको रिमूव किया, तो ये दोनों स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे। क्या क्लियर है आपको? अब आपको करना क्या है, इन दोनों कार्बन को जहां से डबल बॉन्ड ओ जुड़ाया वहां से इनको जोड़ देना है वाया डबल बॉन्ड। तो देखिए क्या दिखाई पड़ेगा, तो आपको आपका आंसर मिल चुका है जो ऑप्शन में दिया था। ये वहां पे एक ऑप्शन होना चाहिए, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स हियर। क्लियर, अब कुछ और प्रैक्टिस कराते हैं आपको, चलिए देखते हैं। बच्चों यहाँ पे दो क्वेश्चन लेके आए, दोनों क्वेश्चन में ओजनोलिसिस हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ए बताना है कि ए क्या होगा और इस रिएक्शन में आपको बताना है बी क्या होगा। क्या आपको क्लियर है दोनों क्वेश्चन? तो चलिए लेते हैं, इस पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या लिया, प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो आप जानते हैं प्रोडक्ट को आपको कुछ इस तरह घुमा के लिखना होता है, तो मैंने इसको ऐसे घुमा लिया है और ये हमारा कीटोन यहाँ पे आ गया। अब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को घुमाना है, तो बच्चों वो मैं कुछ ऐसे करूंगा, ये लीजिए। जिन्होंने पहला पार्ट अच्छे से देखा है उनको डेफिनेटली ये सब कुछ क्लियर हो रहा होगा क्या बनने वाला है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। उसके लिए आपको रिकमेंड किया जाता है पहला पार्ट जरूर अच्छे से देखें, तो आपको ये सब चुटकियों में हो जाएगा आपका ये। चलिए देखते हैं, तो अब मैं क्या इसको रिएक्शन को पीछे लेके जाता हूँ, तो आप ये तो कीटोन ही रहने वाला है, हाँ ये कीटोन रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको कुछ ऐसे लिखा। सर ये आपने ऐसे क्यों लिखा, ये बन गया हमारा एल्डिहाइड और ये हमारा कीटोन है। बच्चों याद करो, आपको बताया था ओजनोलिसिस दो तरह का होता है, रिडक्टिव एज वेल एज ऑक्सीडेटिव। याद आ गया होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान से देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है और इससे पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर देता है हमको कार्बोक्सिलिक। और कीटोन जो होता है वो यहाँ पे अनएफेक्टेड रहता है, एज सच पड़ा रहता है। क्लियर हुआ, बताया था आपको, पहला पार्ट जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक से पहले जो बनेगा वो हमारा एल्डिहाइड बनेगा। अब आप जानते हैं बैकवर्ड जाएंगे तो क्या होगा, सिंपल सा है, जहाँ पे डबल बॉन्ड ओ था वो आपको छोड़ देना है, छोड़ दिया सर, और जहाँ पे डबल बॉन्ड छोड़ा है उन दो कार्बन को आपको जोड़ देना है डबल बॉन्ड की हेल्प से। तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने कार्बन को ऐसे दिखाया है। क्लियर है, तो जब आप इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर आपका ऐसा होने वाला है, ये हमारा ए है। हम लेते हैं बी, बी के लिए चलते हैं। तो बी में ध्यान से देखिए ओजोनोलिसिस किया है लेकिन प्रोडक्ट हमें सिर्फ एक ही टाइप का दिखाई दे रहा है, और आपको बताया था कि ओजोनोलिसिस में कम से कम दो प्रोडक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो सिंपली दो
मोल या दो मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, आप दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, दोनों कंपाउंड जो बने हैं सेम बने हैं, तो हम लोग यहाँ पे दो मोल लेके चल रहे हैं इस कंपाउंड के। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप बताइए। तो आंसर है हाँ सर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब मैं दूसरे मोल को इसके सामने लिखता हूं, थोड़ा घुमा देता हूं उसको, ये लीजिए, ये हमने दो मोल कंसिडर किए और दोनों को हमने थोड़ा घुमा दिया, यहाँ पे लिख दिया है। अब करना क्या है आपको, जहां पे डबल बॉन्ड ओ लगा है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, इन डबल बॉन्ड ओ को रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो हटाने के बाद आपका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई पड़ेगा वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिन करना होता है, दिखाना होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी द मास्टर। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा डबल बॉन्ड ओ हटाने के बाद कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। और आपको पता है कि जहां से डबल बॉन्ड ओ हटा है उन पार्ट को, जहां से डबल बॉन्ड ओ हटा है उन कार्बन को डबल बॉन्ड की हेल्प से अब जोड़ देना है। तो मैं इस वाले को और इस वाले पार्ट को जोड़ने वाला हूं डबल बॉन्ड की हेल्प से। क्या ये आपको क्लियर है? चलिए दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे CH, 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 क्लियर हुआ आपको? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और बच्चों ये क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में किया था, आप देख लीजिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। उसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा घुमा के दे दिया है, ये लीजिए। तो ये हमारा इस रिएक्शन में बी होगा। पहली वाली जो थी वो थी हमारी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और दूसरी थी हमारी रिडक्टिव। बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा। तो इन क्वेश्चन को कीजिए, यू विल बी द मास्टर। आज वीडियो की जब स्टार्टिंग की थी तो वहां पे मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे, तो उन दो क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 दिया था उसका सॉल्यूशन आपको नहीं दिया, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं, प्रैक्टिस कीजिए और आंसर दीजिए, देखते हैं कौन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।